हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देवतोला। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही काम खबर है। अगर आप किसान भाई है तो इसको जरूर सुने। दोबारा सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने पूरा किया पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का वादा। किस राज्य के कितने किसानों को मिला लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किन राज्यों को कितना मिला है उसकी लिस्ट हमको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। 3.5 करोड़ किसानों को मिला है लाभ किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत। बाकी इंतजार में है, देखिए पूरी लिस्ट। तो जी हाँ भाई, अगर आप भी लिस्ट पूरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना काटे एंड तक पूरा देखना। और जो भाई हमसे जुड़ना चाहता है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर हमारे साथ जुड़ सकता है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैंने कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। और भाई आपसे विनती है, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी इस न्यूज के बारे में जाने। इसलिए वीडियो को ज्यादा शेयर करें। दोबारा सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का विस्तार किया है। 14.5 करोड़ किसानों के लिए कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे प्रमुख योजना में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है। अब तक देश के 3.43 करोड़ किसान लाभ उठा चुके हैं। इन किसानों को इसकी 2 किस्तों के 4,000-4,000 रुपए मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 1.20 करोड़ किसानों को उत्तर प्रदेश में फायदा मिला है। हालांकि पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा के किसान भी इसका लाभ लेने में पीछे नहीं है। कृषि प्रधान राज्य पंजाब में 11.84 लाख किसानों को लाभ मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कर्नाटक में 3,20,906 किसानों को पैसा मिला है। हालांकि कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी कम रकम पहुंची है। 31 मई की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सिर्फ 12,673 लोगों को फायदा मिला है। राजस्थान में 1,21,314 को किसानों को लाभ ही मिल सका है। छत्तीसगढ़ में 1,13,574, पांडिचेरी में 4,266 किसानों को ही लाभ मिला है। वहीं हम आपको बताना चाहते हैं, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई प्रदेशों में भी काफ़ी लाभ मिला है। वाईआरएस कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस शासित राज्यों के मुकाबले काफ़ी अधिक किसानों को लाभ मिला है। कृषि के मुताबिक यहां के 34,92,784 किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं। बीजेडी शासित उड़ीसा में 9,73,000 किसानों को लाभ मिला है। CPI-MA शासित केरल के लोगों को भी यहाँ के 10.31 लाख किसानों को खेती किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की 2 किस्त मिल चुकी है। बीजेपी शासित राज्य जमकर उठा रहे हैं फायदा। मोदी सरकार की यही स्कीम किसानों को बीजेपी के साथ जोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। इसलिए दोबारा सत्ता में आते ही इसका विस्तार 14.5 करोड़ किसानों के लिए कर दिया गया है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य में बहुत तेजी से लागू करवाया है और चुनाव में इसका फायदा मिला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने राज्य के किसानों को इसके सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाने में सफल रही है। मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा के 10.20 लाख किसानों तक लाभ दिलाने में कामयाब रही है तथा यहां तक कि असम में 11.91 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं। अगर भाइयों आपको भी इसका लाभ नहीं मिला है तो हम आपको बताएंगे कि आप इसका लाभ कैसे उठा सके हैं। किसानों को इसका लाभ पाने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग की रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासन उसका वेरिफिकेशन करेगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेखपाल से संपर्क करें, जिसको हम पटवारी बोलते हैं, अपने पटवारी से संपर्क करें। लेखपाल ही इसका वेरीफाई करता है। अगर आप किसान हैं, अगर लेखपाल और कृषि अधिकारी किसी असली किसान को इसका लाभ देने में अनज्ञाकानी कर रहा है तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क के ईमेल pmkisan-ict@gov.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। यानी कि भाइयों, आप किसान हैं और आपकी कोई शिकायत है तो आप pmkisan-ict@gov.in ये ईमेल आईडी है, इस पर आप अपनी शिकायत भेज सकते हो। अगर वहाँ से भी कोई बात नहीं बनती है तो डायरेक्ट नंबर है 011-233-8102, ये इसका डायरेक्ट नंबर है। आप यहाँ पर भी शिकायत करके अपनी जो समस्या है उसका समाधान पा सकते हो। अगर भाइयों इसके लिए आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो पटवारी होता है, पटवारी के पास जाएं। पटवारी आपकी जो रिकॉर्ड होता है जमीन का उसको ऑनलाइन कर देगा और आपके खाते में भी 6,000 रुपये आएंगे प्रतिवर्ष। तो भाई इस प्रकार आप भी, जैसा कि हमने बताया, आपको पूरी लिस्ट बता दी है कि किस राज्य में कितना लाभ मिला है। तो भाई हम आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं नई वीडियो के लिए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैंने कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज की तरह भाइयों, जय हिंद जय भारत।